हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम जानने वाले हैं कि हम पढ़ते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। सो अभी मैं अपनी बाइक राइड करने वाला हूँ और मैं यहाँ से मार्केट जाऊँगा और मार्केट से फिर मैं अपने घर को वापस आऊँगा। सो इस बीच में मैं कितनी दूरी ट्रैवल करने वाला हूँ और कितना डिस्प्लेसमेंट होने वाला है मेरे बाइक के साथ, ठीक है। सो हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है और स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या ही अंतर है। मैं घर से निकला, इस रास्ते मैं मार्केट की शॉप पे पहुंचा हूं, जो कि एक रास्ता है 4 किलोमीटर का और ये रास्ता मेरा 3 किलोमीटर का। यहाँ पे मैंने जो जितना पाथ ट्रैवल किया वो पूरे पाथ का जो लेंथ है दैट इज 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, तो डिस्टेंस इस केस में कितना हो जाएगा? सो डिस्टेंस विल बी 4 + 3 दैट इज 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट है इस मेरे घर से और इस मार्केट की जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होगी, तो शॉर्टेस्ट दूरी यही होगी। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग? तो दिस स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 25, कितना है? मतलब ये दूरी 5 किलोमीटर है। तो मेरा एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में मेरा कितना हो गया? 5 किलोमीटर का। अब देखो डिस्टेंस 7 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर है। अब मैं मार्केट से जब एक और केस देख लेते हैं, अब मैं मार्केट में तो रुकूंगा नहीं, मैंने इस रास्ते को फॉलो किया और मैं वापस अपने घर पे आया। सो अगेन अगर जब मैं घर से मार्केट गया और मार्केट से फिर जब घर आया, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी पूरे ट्रिप की? अराउंड द ट्रिप उस टाइम पे दूरी कितनी हो जाएगी? 4 + 3 + 4 + 3 दैट इज 7 + 7, 14 किलोमीटर मैंने टोटल दूरी तय की। लेकिन अब देखो जब मैं घर पे आ गया तो इस केस में मेरी फाइनल पोजिशन और इनिशियल पोजिशन दोनों सेम है, यानी इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपका? बॉडी ने कितना, मैंने कितना डिस्प्लेस किया है? दैट इज 0। तो अब आपको समझ में आया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो डिस्टेंस आपकी क्या चीज बेटा? वेक्टर क्वांटिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट इज योर स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें डायरेक्शन भी फिक्स होती है। अब हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी पे। तो स्पीड मेरा क्या होता है? स्पीड होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम डिके, डिस्टेंस अपॉन टाइम डिके। लेकिन वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिके। सो दोनों में अंतर समझ में आया आपको? सो यहां अगेन एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वी फॉर वेलोसिटी, वी इज अ वी फॉर वेक्टर, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम इन चीजों को समझते हैं। सो थैंक यू।